बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा आरम मेटलिकम के बारे में बात करेंगे। ये एक समझने वाली और एक जानने वाली वीडियो है। अगर इसको आप गौर से समझते हैं तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा। अब आरम मेटलिकम बेसिकली ये गोल्ड है जिससे ये मेडिसिन तैयार की जाती है। आरम मेटलिकम की एक अलामत ऐसी है जो कि इस तमाम दवाई को अपने अंदर कवर कर लेती है, और वो है ख़ुदकुशी का ख्याल। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंटल सिम्टम्स के अंदर होती हैं। पेशेंट्स बास जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, लेकिन चूँकि मेरा ये मिशन है कि लोगों को ये फ़ायदेमंद साबित हों और वो जाके अपने डॉक्टर्स को सारी अलामात बताएँ। जो मरीज़ अपनी अलामात को छुपाते हैं, होम्योपैथिक के अंदर अलामत छुपाने वाले मरीज़ का कभी भी इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है। तो ये आरम मेटलिकम चूँकि एक मेंटल सिम्टम्स की मेडिसिन है कि आप ख़ुदकुशी का ख्याल करते हैं, बार बार जहन के अंदर आता है, तकलीफ़ चाहे कुछ भी हो, उसको आर्थराइटिस हो, उसको लीवर फेलियर हो, कोई मसला भी हो, उसको डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, हर एक बीमारी के साथ उसके दिमाग के अंदर ये ख्याल आएगा कि बस वो अब ज़िंदगी से तंग आ गया है, बेजार हो गया है, और वो ख़ुदकुशी कर लें। तो जहाँ ये अलामत होगी वहाँ दवा आरम मेटलिकम हो। अगर मरीज़ की हड्डियाँ गलना शुरू हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं, और हड्डियों में दर्द होता है, पेन होता है, सारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ होती है, ये इस दवाई की बड़ी ख़ास अलामत है। ये ख़वातीन के अंदर और मर्दों में इस्तेमाल होने वाली बड़ी अहम दवाई है। इन तमाम अलामात के साथ जो मैंने आपको एक नुक्ते के अंदर समझानी है कि अगर ख़ुदकुशी का ख्याल होगा तो आरम मेटलिकम ही की उसकी मेडिसिन बनेगी। इसको आप इस्तेमाल करें चंद एक खुराकों से ही, ना सिर्फ ये ख्याल उसके जहन से निकल जाएगा, बल्कि अगर आप कुछ देर मतवातर इस्तेमाल कर सकते हैं तो हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स भी इस दवा से ठीक हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।